अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सुरंग दो में इसे रिलीज कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनाई गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहे तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साठ की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एंड है वहाँ पर भी हंड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतरीन रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी काफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवाल सोनली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचि राव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वाच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार जोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लिग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आजम यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सरंग दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे Netflix पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साठ की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर भी 43 परसेंट लोगों ने इसे रिलाइज कर दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडिकॉफ के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋधिका सोस्त्री, शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा, सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार जोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यू ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंदला देवी लूडो और बलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सरम दो में इसे रिलीज कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहे तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी। वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साठ की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे लाइज दिया है इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी क्राफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋधिका सोस्त्री, शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचि राव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वाच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थी वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवे सर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभी नहीं है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हो फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सरउ दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी हॉन्ड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लीड कॉफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा, सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुन्दरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खासतौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरे के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मैं मीनाक्षी सुंदर स्वरम 2021 में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पास में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेड कॉफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर रिधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह थी की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवे सर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियां पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या रिश्ता कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सान्या मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में तेजी से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हों फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सुरंग दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं। इसके अलावा जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी कॉफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा, सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खासतौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियां पेश की है और मधुरे के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार जोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में तेजी से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर स्वरम 2021 में इसे रिलीज कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साठ की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पास में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडिकॉफ के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा, सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवे सर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में तेजी से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंदला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर स्वरण दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहे तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर यह मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साठ की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एंड है वहाँ पर भी हंड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतरीन रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी कास्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋतिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवाल सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचि राव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार जोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लिख से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और बलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सरंग 2021 में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साठ की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पास में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे रिलाइज दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी कॉफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर रिधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बाग्रवा सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की ग्रांति भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी के रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सरंग 2021 में इसे रिलीज कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहे तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी। वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी क्राफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋतिका सोस्त्री, शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचि राव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वाच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह थी की थीम वाली कहानियाँ सफलता की क्रांति भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवे सर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मैं मीनाक्षी सुंदर सरउ दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी। वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर यह मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी हॉन्ड्रेड परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी कॉफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋतिका सोस्त्री, शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा, सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह थी की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खासतौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मधुरे के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में तेजी से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर स्वरम दो में इसे रिलीज कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहे तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी। वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे Netflix पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग 7 की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी क्राफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर रिधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचि राव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट ऑफ मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवे सर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियां पेश की है और मदुरे के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सान्य मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हटकर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा गेंगे गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सरंग दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे Netflix पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं। इसके अलावा जो रॉट एंड है वहाँ पर भी हॉन्ड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी कॉफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा, सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचि राव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुन्दरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मधुरे के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार जोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में तेजी से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती है एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर स्वरम 2021 में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साठ की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पास में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडिकॉफ के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋधिका सोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा, सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउट है जो शायद आपको बहुत hmm. बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवे सर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्ज डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियां पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या रिश्ता कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हों फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सरंग 2021 में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनाई गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर यह मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एंड है वहाँ पर भी हॉन्ड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतरीन रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी क्रफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋतिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचि राव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खासतौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार जोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लिख से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सुरंग दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेड कॉफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा, सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह थी की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी के रखी है मूवी का नाम है मैं मीनाक्षी सुंदर स्वरण 2021 में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहे तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी। वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पास में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी क्राफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋतिका सोस्त्री, शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचि राव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह थी की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में तेजी से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आजम यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ शिव अगर आप इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सुरंग दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी। वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे Netflix पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग 7 की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी हॉन्ड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडिकॉफ के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋतिका सोस्त्री, शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवे सर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है ख़ासतौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा गेंग गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर स्वरण दो में इसे रिलीज कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहे तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साठ की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एंड है वहाँ पर भी हंड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी क्राफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर रिधिका सोस्त्री, शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचि राव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट ऑफ मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवे सर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियां पेश की है और मदुरे के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हटकर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सरंग दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनाई गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं। इसके अलावा जो रॉट एंड है वहाँ पर भी हॉन्ड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडिकॉफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर रदिका सोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बाग्रवा सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउट है जो शायद आपको बोल बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुन्दरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खासतौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियां पेश की है और मदुरे के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार जोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर स्वरम 2021 में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साठ की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेड कॉफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर रिधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा, सोनली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बोल hmm. बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए hmm. ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट ऑच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धर्मी भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवे सर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्ज डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खासतौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या रिश्ता कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा गेंग गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हो फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी के रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सरंग 2021 में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर यह मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी हॉन्ड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतरीन रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी कास्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बोल बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती बड़ी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खासतौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियां पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार जोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लिख से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सरउ दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहें तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएंगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो YouTube पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पास में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेट परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतर रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेड क्राफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर रिधिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनाली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचिराव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बहुत बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वाच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही स्वर्ग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह थी की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्च डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खासतौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है उससे हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरई के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतज़ार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु के एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर कर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में तेजी से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शक्ुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती है एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में उपलब्ध है अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ अवेलेबल है पर आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अगर आप इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है क्या इस मूवी की स्टोरी है इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदर सुरंग दो में इसे रिलीज कराया गया था और ये मूवी रोमांस और कॉमेडी पर बनी गई है मूवी को यू सेंसर किया गया है तो आप चाहे तो इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है जिसे एक बार देखना बनता है अगर आप इसे हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो ये मूवी उपलब्ध नहीं है पर हाँ इस मूवी को आप जो है वो अनऑफिशियल सोर्स से देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी हिंदी में आपको मिल जाएगी वहीं अगर आप इसे कहीं और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाके देख पाएंगे जहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी अगर मूवी की रेटिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साठ की रेटिंग इसे मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पास में से तीन स्टार दिए हुए हैं इसके अलावा जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी हंड्रेटी परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया है इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में दम तो होना ही चाहिए वरना इतनी बेहतरीन रेटिंग शायद इस मूवी की नहीं हो सकती आगे अगर इस मूवी की लेडी कॉफ्ट के बारे में थोड़ी बात की जाए तो सानिया मल्होत्रा अभिमन्यु दसानी रिद्धि खाकर ऋतिका शोस्त्री शिव कुमार दानिश सूद पुरनेडू भट्टाचार्य निवदत्ता बागरवा सोनली सचदेवा कोमल सबरिया वरुण सचि राव कृष्णा सरकार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है अगर देखा जाए तो मूवी की कहानी आउटस्टैंडिंग है जो शायद आपको बोल बिल्कुल भी नहीं कराएंगे इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए ये एक फैमिली के साथ देखने लायक मस्ट वॉच मूवी है चलिए हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि ये जो मूवी है वो किस तरह की है शादियाँ भले ही सुरग में तय होती हो मगर शादियों पर फिल्म धरती भरी बनती है विवाह की थीम वाली कहानियाँ सफलता की गारंटी भले ही न दे पर उसमें एंटरटेनमेंट के मौके अधिक होते हैं मीनाक्षी सुंदरवेश्वर नए जमाने की एक ऐसी शादी की बात करती है जिसमें रिश्ते का नाम है लॉन्स डिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बदलते वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच और व्यवस्था लगातार बदलनी पड़ती है खास तौर पर इंटरनेट के प्रसार के बाद सोशल मीडिया युग में जिस तेज रफ्तार से पारिवारिक सामाजिक ताना बाना बदलता है खुद से हर किसी को हैरान किया है नई चुनौतियाँ पेश की है और मदुरे के तमिल बासी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की शादी भी इसकी मिसाली है सुंदरेश्वर अभिमन्यु दासानी का परिवार मैरिज ब्यूरो वाला वालों के बताए पति की, की जगह जा रहे हैं जहाँ मीनाक्षी यानी कि सानिया मल्होत्रा के घर पहुँच जाते हैं वहाँ भी मीनाक्षी के लिए संभावित वर का इंतजार हो रहा होता है जब तक दोनों परिवारों की गलत हमें दूर हो तब तक तार छोड़े जाते हैं और शादी के बाद पक्की हो जाती है ट्विस्ट तब आता है जब शादी के अगले दिन ही सुंदरेश्वर को बेंगलुरु की एक ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है और उसे जाना पड़ता है कंपनी के मालिक की शर्त है कि वे केवल अविवाहित लोगों को काम पर रखेगा तो अनुबंध साल भर का है और सुंदरेश्वर झूठ बोलकर बेंगलुरु में रह जाता है और मीनाक्षी के साथ अब कैसा होगा रिश्ता कैसा होगा इस रिश्ते का निर्वाह तमाम दबाव और भावनात्मक उतर चढ़ाव के बीच में क्या टिक रहा है और क्या ये रिश्ता टिकेगा कहानी इन पत्रों को खोलती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब दो घंटे बीस मिनट की ये मूवी है इस फिल्म की खोड़ी लीड एक्टरों का अभिनय है सानिया और अभिमन्यु ने इस किरदारों को जिया है खास तौर पर सानिया प्रभावित करती है कई मौके पर लगता है कि वे फिल्म को अपनी क्षमताओं से ही अकेले आगे बढ़ा रही है सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की छाया में दंगल में शुरुआत की है बाद में से अपनी पहचान बनाई उनका चयन समझदारी से बना है वे तेजी से लीग से हट कर काम करने वाली अभिनेत्री के रूप में उभरती है विशाल भारद्वाज की पटाखा के गलत चुनाव की अतिरिक्त उनके खाते में बधाई हूँ फोटोग्राफ शकुंतला देवी लूडो और पलगेट जैसी फिल्में शामिल है जिसमें वे अपने किरदारों में बखूबी निखर आती हैं ये एक मूवी है जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए काफ़ी अच्छी कहानी के साथ इसे प्रेजेंट किया है गोल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है